मैं अल्लाह और रसूल का और मेरे वालिदैन का, खासकर तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का, बट्टी विक्रमार साहब का और इस तेलंगाना के सारे मिनिस्टर्स एमएलएस का और कांग्रेस पार्टी का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया मैं तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन के हैसियत से वो होदे को संभालने के लिए मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ईमानदारी से इसको निभाऊंगा। जो हुकूमत मेरे पे जो होदा मुझे दिया है ये मैं एक ज़िम्मेदारी समझता हूँ, मेरे लिए होदा नहीं लेकिन एक ज़िम्मेदारी समझता हूँ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जो भी एम्स ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्जेक्ट्स फुलफ़िल करने के लिए, ख़ासकर मुसलमानों की गुरबत को दूर करने के लिए, नौजवानों को काम पे लगाने के लिए इस रियासत जो भी प्रोग्राम्स बनाएंगे ज़रूर प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करूँगा। मैं फिर एक बार अल्लाह ताला का सबको शुक्रगुजार हूँ और कांग्रेस पार्टी ACC वाले ने एक डिसीजन लेकर ये सो एक लंबे अरसे से एक जमात में काम करने की वजह से आज मुझे होदा हासिल हुआ और ये होदा एक ज़िम्मेदारी समझकर उसको निभाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि इस होदे को निभाने के लिए आपकी और ये सब लोगों की हिम्मत चाहिए, ख़ासकर प्रेस वालों की मदद चाहिए। अगर से मेरे काम में अगर से कुछ गलतियां हो या सुधारना हो तो ज़रूर जैसे आपके प्रेस वाले ज़िम्मेदार समझ के मुझे एडवाइस दे सकते हैं और मैं अवेलेबल रहूँगा यहाँ पर हमेशा और मैं हर एक का शुक्र अदा करता हूँ। रुक सकता था, अल्लाह हाफिज़।